शहीद जवानों के शव के साथ पाकिस्तान ने फिर से बर्बरता की है और फिर से पाकिस्तान ने वही हरकत की है जो 2013 में किया था शहीद हेमराज के शव के साथ, 2016 में माछिल सेक्टर में शहीद जवानों के शव के साथ और एक बार फिर से कृष्णा घाटी में। और यही वो कृष्णा घाटी है जहां पर शहीद हेमराज के शव के साथ भी बर्बरता की गई थी और यही फिर से एक बार जो दो जवान शहीद हुए हैं उनमें बीएसएफ का एक जवान और सेना का एक जवान शामिल है, इनकी इनके शवों के साथ भी पाक बॉर्डर एक्शन टीम ने बर्बरता की है। तो एक तरह से पूरी तरह से उल्लंघन है ये जो भी कन्वेंशंस है, चाहे वो जिनेवा कन्वेंशन की बात करें या अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की बात करें, इन तमाम कानूनों के हिसाब से ये पूरी तरह से उल्लंघन है क्योंकि शव का सम्मान करना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत एक नियम होता है, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान बाज नहीं आता। शाहनवाज इस वक्त हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। शाहनवाज, दो जवानों के शवों के साथ फिर से बर्बरता? बिल्कुल सारिका, और ये एक दुखद घटना है कि फिर से एक बार पाकिस्तान ने इस तरह का एक्शन जो है वो यहाँ पर किया है। और दो जवान हैं, एक हमारा सेना का जवान है, दूसरा हमारा बीएसएफ का जवान है। पहले पाकिस्तान ने वहाँ पर जो बैट एक्शन टीम है उन्होंने घात लगाकर हमला किया है और उसके बाद उनके शवों के साथ जिस तरह से व्यवहार किया गया है उसके बाद पाकिस्तान का जो रवैया है वो साफ यहाँ पर नज़र आ रहा है। और पाकिस्तान के रवैये से एक बात साफ है कि पाकिस्तान को ये जो भाषा है वो समझ नहीं आती, पाकिस्तान को जो सेना जिस भाषा में जवाब देती है वही समझ आती है। और इस समय ये एक मौका है जब भारतीय सेना को एक मुंहतोड़ जवाब जो है वो पाकिस्तान को देना पड़ेगा। बिल्कुल, यही भारतीय सेना को फिलहाल अगर हम बात करें तो आप हमारे साथ बने रहिए। शाहनवाज, रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल क्या कुछ कह रहे हैं वो दिखाते। अभी तक देश को सुनाया जाना चाहिए था कि पाकिस्तान ने इस माफी की कार्रवाई की, जो भी कार्रवाई में उसके हमने 25 पोस्ट उड़ा दिए और कम से कम 50 सैनिक उसके हताहत हो चुके हैं, ताकि आने वाले समय में उसकी दोबारा कभी इस माफी की हिम्मत ही ना पड़े। तो आने वाले वक्त में ऐसा कुछ ना कर सके पाकिस्तान, सीधे सीधे ये तमाम जगहों से मांग हो रही है। रक्षा विशेषज्ञ भी यही कह रहे हैं। और क्या कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून आपको ये बता देते हैं हम। 1907 के हेग कन्वेंशन में अपनाया गया था कि सैनिकों के शवों के साथ कोई छेड़छाड़ कोई बर्बरता नहीं होगी। फिर इसे जिनेवा कन्वेंशन में दोबारा शामिल किया गया और इसके अलावा 1880 के ऑक्सफोर्ड मैनुअल के मुताबिक भी युद्ध के मैदान में शव के साथ बर्बरता पर पाबंदी है। और हमारे साथ आलोक बंसल रक्षा विशेषज्ञ हैं। आलोक बंसल जी, जो तमाम कानून कहते हैं, आलोक बंसल जी क्या कुछ कह रहे हैं वो पहले हम आपको सुनाते हैं और उसके बाद में इस बारे में और ज्यादा बताएंगे। See, this shows the despicable state of affairs. In fact, Pakistan army comes out as an extremely unprofessional army with no ethics. Firstly, carrying out unprovoked firing and then subsequently indulging in gross violation of human rights in which they have indulged in mutilation. I'm not very sure because this is the input that I'm getting. If they mutilated the bodies of the soldiers, I think that is falling to the lowest level of human behavior. I think it's a gross violation of human rights and needs to be condemned in very, very strong words. I'm sure Indian Army would give them a befitting reply. Sir, don't you think it's a violation of Vienna? No, it's violation of all conventions actually. No convention in the world allows you to deal with a dead soldier in the manner that they have behaved. And I think, I'm sure global community at large would take a very strong view of it. And तो ग्लोबल कम्युनिटी को वाकई इस पर सवाल उठाना चाहिए क्योंकि मानवीय मूल्य और अंतर्राष्ट्रीय कानून इस बात की इजाजत नहीं देते हैं कि जो शहीद सैनिक हैं, चाहे वो किसी भी देश के क्यों ना हो और चाहे दोनों देश आपस में टकराव में ही क्यों ना हो, लेकिन जो दोनों देशों के शहीदों के शव हैं उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, मानवीय मूल्य इसकी इजाजत नहीं देते हैं। शाहनवाज लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर लाइव मौजूद हैं और इस अब खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ। शाहनवाज, कृष्णा घाटी वही जगह है जहां हेमराज के शव के साथ बर्बरता हुई और फिर यहां पर ये जो दो जवान हैं इनके शव के साथ भी बर्बरता हुई है और बैट जो है वही इन्वॉल्व थी पाकिस्तान की।
बिल्कुल सारिका, आप ठीक कह रही हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो पुंछ का एलओसी का इलाका है, यहाँ पर ये पहला मौका नहीं है जब बैट ने इस तरह का कोई हमला उन्होंने किया हो। इस एरिया में लगातार आए दिन बैट के एक्शंस होते रहते हैं। कुछ ऐसे एक्शंस हैं जो हमारे हमें पता लग जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एक्शंस हैं जो सेना बताती नहीं है, लेकिन लगातार इस इलाके में बैट के एक्शन होते रहते हैं। लेकिन सवाल एक का सारिका जो सबसे बड़ा उठता है कि आखिर जो हमारी पेट्रोलिंग टीम थी वो इस ट्रैप में कैसे फंस गई, क्या एसओपीज फॉलो नहीं किए गए, किस क्यों आखिर ये पूरा ट्रैप जो है वो वहाँ पे लगा और सेना के जवान जो हैं उस ट्रैप में फंस गए। सवाल ये बहुत सारे वहाँ पर सेना पे भी उठ रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो पाकिस्तान ने जिस तरह की हरकत की है उसका किस तरह से सेना जवाब देगी वो अब सारिका यहाँ पे देखना होगा। बिल्कुल, सेना पर चाहे जो भी सवाल यहाँ उठ रहे हो, लेकिन जब कोई ट्रैप करने के लिए ही बैठा है, जब कोई शवों के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए ही बैठा है, और ये क्या मैसेज पाकिस्तान भेजना चाहता है इंटरनेशनल नेशनल कम्युनिटी में, ये खुद में एक बड़ा सवाल है और ये मामला उठाया भी जाना चाहिए। लेकिन फिलहाल जो ये पूरा का पूरा वायलेशन हुआ है, क्या माना जाए, जो एलओसी पर आए हैं उनके जो कमर जावेद बाजवा हैं सेना प्रमुख, उसकी वजह से ये रिएक्शन हुआ है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जो बाजवा आए थे उसके बाद पहले से ही जब से सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा दबाव है सेना पे कि वो कुछ ना कुछ एक्शन जो है वो करके दिखाए, और कहीं ना कहीं ये एक बाजवा के आने का असर जो है उसको भी यहाँ पे उस एंगल से यहाँ पे देखा जा रहा है। बिल्कुल, और वहाँ पर जाकर उन्होंने कहा है कि कश्मीरियों की लड़ाई में हम सहयोग देते रहेंगे। आप शाहनवाज बने रहिए, मेजर जनरल अफसर करीम इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अफसर करीम साहब, लगातार 2013 से लेकर 2017 तक हम ये देख रहे हैं कि म्यूटिलेशन किया जाता है, हमारे जवानों के शव के साथ बर्बरता की जाती है, अंतर्राष्ट्रीय कानून इसकी इजाज़त नहीं देते। अगर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से भी परे है पाकिस्तान, तो क्यों परवाह होनी चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को पाकिस्तान की? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी कोई बात नहीं करती इसके बारे में। मैंने कहीं इसके बारे में किसी मीडिया में खास तवज्जो देके नहीं देखा। वो हमको अपने आप कार्रवाई करना पड़ेगी, जिससे पाकिस्तान को म्यूटिलेशन बहुत महंगा पड़ जाए। वो मिलिट्री कार्रवाई है, वो मिलिट्री बॉर्डर ही पे होगी, वो मीडिया से या पॉलिटिक्स से नहीं हो सकती। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने ये रखना जरूरी है कि ये जो वायलेशन हो रहा है इसको आप लोग रोके, और ह्यूमन राइट्स के जो प्रॉब्लम चलते हैं तमाम तरह के डिस्कशन यूएन में और दूसरी जगह वो सामने आए। बिल्कुल, हर बार इस तरह की हरकत करता है पाकिस्तान और हर बार कुछ किसी तरह की घुमा फिरा कर सफाई दे देता है। क्या हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है इसे किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसी कोर्ट में ले जाने का, या ये सच्चाई है कि भारत और पाकिस्तान उसका हिस्सा ही नहीं है? नहीं, ले जा सकते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान साफ इनकार कर देता है, कहता हमने कुछ नहीं किया, ये भारत हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो फिर जो जिनेवा कन्वेंशन है सर, फिर जो जिनेवा कन्वेंशन है या जो फिर बाकी ऑक्सफोर्ड का है, जो ऑक्सफोर्ड मैनुअल है, उसकी जरूरत क्या है फिर तमाम देशों को दुनिया के? जिनेवा कन्वेंशन तो पाकिस्तान फॉलो ही नहीं करता, ये पूरी लड़ाई उसकी नहीं है। आपको एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहा है जो कोई प्रिंसिपल नहीं लड़ाई का फॉलो करता, वो आपके साथ सिर्फ दुश्मन ही करता। लेकिन सर, आपको करगिल के बाद याद होगा, उनके सैनिकों को एक अंतिम संस्कार हमने पूरे सम्मान के साथ दिया था, और हमारे सैनिकों के साथ क्या हुआ था, सौरभ कालिया के साथ क्या हुआ था, हेमराज के साथ क्या हुआ था, तब से लेकर अब तक हिंदुस्तान सह रहा है। देखिए, हमारा जो है मुल्क वो सिविलाइज कंट्री है, पाकिस्तान एक रोग कंट्री है, उसकी रोग आर्मी है, तो वो आप उसका जवाब सिर्फ एक्शन से दे सकते हैं ग्राउंड पे। और बड़ा मुश्किल है ऐसे उसको समझाना या कह उसको डाउन करना मोराल के, उसको वो ऐसी हरकतें करता जाएगा जब बिल्कुल तक पाकिस्तान जैसी कायराना हरकत पर तो शायद हिंदुस्तान कभी नहीं उतरेगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए मेजर जनरल अफसर करीम साहब। और सुनील देशपांडे रक्षा विशेषज्ञ क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको दिखाते हैं। एक्सेप्टेबल बिकॉज इट्स अ बार्बेरिक एक्ट एंड व्हिच इज नॉट देयर इन द हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर। नाउ पाकिस्तान हैज बीन रिपीटेडली डूइंग इट, इट इज द पाकिस्तान आर्मी व्हिच इज बिहाइंड दिस, वी शुड रिएक्ट properly. This has been done by Pakistan not only once but earlier also they have done it. We have to react right and proper. We should not discuss as to how we should react, but we should react at the time and place of our choosing. What reaction we do, it again should be kept secret, but we should react. Earlier also we have reacted in a right and proper manner. This time also we should immediately react. One thing is definitely there.
इमीडिएटली रिएक्ट करना होगा. जगह कौन सी होगी, मौका कौन सा होगा, वक्त कौन सा होगा और कैसे रिएक्ट करेंगे, ये हम तय करेंगे. ये रक्षा विशेषज्ञ कर रहे हैं. और इस वक्त बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई एक और आ रही है. पूरे मामले की जानकारी प्रधानमंत्री को दे दी गई है और एनएसए डोभाल ने दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पूरी घटना की जिम्मेदारी कि पाक बॉर्डर एक्शन टीम ने क्या कुछ बर्बरता की है. पुंछ के कृष्णा सेक्टर में जब सीज फायर वायोलेशन हुआ था तो दो जवान शहीद हुए थे भारत के, उनमें से एक बीएसएफ के जवान और एक सेना के जवान. लेकिन क्या कुछ उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है उनके शवों के साथ, इसकी जानकारी फिलहाल एनएसए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी है. शाहनवाज इस वक्त हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं लगातार. शाहनवाज, अगर हम देखें तो 3 अप्रैल को भी इस तरह की घटना हुई, 4 अप्रैल को भी इस तरह की घटना हुई और अभी तक लगातार इस तरह से सीज फायर वायोलेशन की घटनाएं हो रही हैं. क्या बौखलाहट है और उसमें अब और जो कमर जावेद बाजवा हैं उसमें और एक चिंगारी डाल रहे हैं. देखिए, बौखलाहट तब से ही चल रही है जब से सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ हुई है. और जिस तरीके से पाकिस्तान ने ये बैट एक्शन किया है, मैं आपको बता दूं सारिका कि इसका जवाब जो है वो सेना भी उनको बहुत जल्दी जो है वो देगी. लेकिन फिलहाल जिस तरीके से पाकिस्तान ने जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनके साथ बर्बरता की है वो किसी भी सूरत में उसको बर्दाश्त जो है यहाँ पे नहीं किया जा सकता. और सेना लगातार अब जो पूरा इलाका जहाँ पर ये बैट एक्शन हुआ है वहाँ पे इस समय लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है. पूरे ऑपरेशन जो है सेना वहाँ पे कर रही है और जगह जगह वहाँ पर निगरानी जो है इस समय सारी का बरती जा रही है. बिल्कुल, भारतीय सेना को वाकई सलाम. इस तरह के हालातों में लगातार अपनी लड़ाई आतंक के खिलाफ उन्होंने छेड़ी हुई है. सड़क पर लड़ाई पत्थर के खिलाफ चल रही है, सोशल मीडिया पर एक आतंक को फैलाने की कोशिश हो रही है और सरहद पर इस तरह से सरहद पार से इस तरह की करतूतें की जा रही हैं. हमारे हर्षदेव सिंह पैंथर्स पार्टी के नेता क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको दिखाते हैं और आपके पास उसके बाद लौटते हैं शाहनवाज. और आज भी पाकिस्तान जो है अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और इस किस्म का सलूक हमारे जवानों के साथ हो रहा है जो पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता है और जिसके लिए किसी भी सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है कि आप किसी के पार्थिव शरीर के साथ इस किस्म का दुर्व्यवहार करें. हिंदुस्तान को यह मसला जो है वो पूरी शिद्दत के साथ उठाना होगा और खास तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष ये वारदातें जो हैं वो सामने रखनी होंगी ताकि पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कम्युनिटी की तरफ से एक्शन हो और सख्त एक्शन हो. सख्त एक्शन की बात चारों तरफ से हो रही है, चाहे वो रक्षा विशेषज्ञ हों या जम्मू कश्मीर के नेता ही क्यों ना हों. और शाहनवाज भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं. शाहनवाज, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि कई मोर्चों पर सेना को वहां पर लड़ना पड़ रहा है, अंदर पत्थरबाजों से लड़ना पड़ रहा है, सरहद पर गोलीबारी से लड़ना पड़ रहा है, ऐसे में क्या कुछ हालात है वहां पर? देखिए, अगर सारिका मैं हालातों की बात करूं, अगर मैं ये LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करूं तो लगातार इस तरह के इनपुट हैं कि भारी तादाद में लॉन्च पैड्स जो हैं वो बने हुए हैं बॉर्डर के पार पे और बहुत सारे आतंकवादी जो हैं वो भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं. दूसरी तरफ से आप जिस तरीके से वीडियोज़ देख रहे हैं कश्मीर में लगातार आतंकवादियों के वीडियोज़ जो हैं वो सामने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं वो अलग अलग मोर्चों पर यहाँ पर लड़ रही है. लेकिन LOC की अगर मैं सारिका बात करूँ तो पूरा LOC हमने घुमा हुआ है, एक चप्पे चप्पे पर सेना के जवान तैनात है और पूरी मुस्तैदी से यहाँ पर सेना के जवान जो हैं वो लगातार भारतीय सीमाओं की रक्षा जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं. लेकिन इस तरह का ये जो एक्शन हुआ है कहीं ना कहीं सेना जो है सेना भी इस एक्शन के बाद काफी गुस्से में है. सेना ने फिलहाल कोई रिएक्शन इस पर ऑफिशियली नहीं दिया है लेकिन सेना ने जो अंदर हमारे सूत्र बता रहे हैं सेना इसको लेकर काफी गंभीर है. तो उकसावे की हरकत सिर्फ पाकिस्तानी सीमा या सरहद पार से ही नहीं होती, उकसावे की हरकत जो है वो पाकिस्तान आर्मी चीफ भी करते हैं क्योंकि कमर जावेद बाजवा ने LOC का दौरा किया था और उन्होंने कहा था कि आर्मी कश्मीरियों की सियासी लड़ाई में मदद करना जारी रखेगी और उसके बाद यह हरकत जब हमारे दो जवानों के शवों के साथ बर्बरता हुई है. लेकिन आपको इस मैप के जरिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि कृष्णा घाटी ही वो इलाका है जहां पर शहीद हेमराज के शव के साथ भी बर्बरता हुई थी. सिर काटा गया था 2013 में, आपको याद होगा, और अब दो जवानों के साथ भी यहीं पर वो बर्बरतापूर्वक कार्रवाई हुई है. लेकिन भारत की दरिया दिली जरा देखिए,
भारत ने पाक युवक को वापस पाकिस्तान को सौंप दिया है जो गलती से सरहद पार कर गया था। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना ने क्या किया है भारतीय जवानों के शव के साथ, ये भी आप आज देख सकते हैं। इसके अलावा आपको सरबजीत का ये पूरा मामला याद होगा कि गलती से सरहद पार करने का नतीजा सरबजीत को किस तरह भुगतना पड़ा था, लेकिन भारत की दरिया दिली जरा देखिए। और भारत वाकई इस तरह की कायराना हरकत नहीं कर सकता जिस तरह की पाकिस्तान कर सकता है। भारतीय सेना ने प्रेस रिलीज कर अब जारी कर कहा है कि पाक की नापाक हरकत की पुष्टि हो चुकी है। सेना ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है, हिंदुस्तान की पेट्रोलिंग पार्टी पर बैट का अटैक हुआ है, पाक सेना ने 2 शहीदों के साथ बर्बरता की है और ये तमाम जो कन्वेंशन है उसका उल्लंघन है। पाकिस्तान सेना की ऐसी कार्रवाई का करारा जवाब दिया जाएगा। तो सेना ने यह साफ कर दिया है और आपको याद है सेना ने तब भी साफ किया था जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, और एक बार फिर अगर सेना ने कहा है ऐसा तो अब कोई बड़ी कार्रवाई होगी, इसका इंतजार वाकई करना चाहिए। और वाकई क्या उकसावे की हरकत पाक आर्मी चीफ के कहने पर हो रही है, क्योंकि एक दिन पहले ही बाजवा बॉर्डर पर आए थे और ये शर्मनाक हरकत आज हुई है। और जब बाजवा बॉर्डर पर आए थे तो उन्होंने कहा था कि उनकी आर्मी और उनका जो देश है वो कश्मीरियों की सियासी लड़ाई में मदद जारी रखेगी। उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया था, पाकिस्तान ट्रूप से मुलाकात की थी और भारत पर उल्टा सीज फायर वायलेशन का इल्जाम लगा दिया था। तो ये तो वही बात हुई जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो कमर जावेद बाजवा हो या उनके बाकी समकक्ष, पाकिस्तान यह हरकतें किया करता है अक्सर। और एलओसी पर आकर उन्होंने ट्रूप्स को जिस तरह से उकसावा उनको किया है और उसी तरह की उकसावे की हरकत पाकिस्तान की तरफ से की गई है। और जम्मू कश्मीर में शहीदों के जवानों के साथ बर्बरता की यह खबर आई है, जबकि तमाम जो कन्वेंशन है अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसका उल्लंघन है। लेकिन क्या सीधे सीधे इसके लिए पाक आर्मी चीफ जिम्मेदार है, क्योंकि ठीक एक दिन पहले ही तो वो एलओसी में आए थे और उन्होंने साफ ये कहा था कि भारत कश्मीर में स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म को बढ़ावा देता है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो कश्मीरियों की सियासी लड़ाई में सपोर्ट करेगा। तो क्या सियासी लड़ाई में सपोर्ट इस तरह से किया जाता है कि लगातार आप बिना उकसावे की सरहद पार से वॉयलेशन करते रहें, उसके बाद जो हमारे जवान ड्यूटी कर रहे हैं, क्योंकि वो सैनिक हैं जो अपने देश की रक्षा के लिए ड्यूटी कर रहे हैं और सरहद पार पाकिस्तान के भी वो सैनिक होते हैं जो शायद अपने देश की रक्षा के लिए ड्यूटी करते हैं, और ड्यूटी के दौरान इस तरह से शहीद होना और उसके शवों के साथ बर्बरता करना ये मानवीय मूल्यों का भी उल्लंघन है और तमाम अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन का भी उल्लंघन है। लेकिन ये कायराना हरकतें जो हैं वो पाकिस्तान का इतिहास रही हैं। पाकिस्तान लगातार इस तरह की हरकतें करता रहा है। आपको याद होगा करगिल युद्ध के दौरान कैप्टन सौरभ कालिया के साथ किस तरह की हरकत की गई थी, शत विक्षत हालत में उनके शव को सौंपा गया था। इसके अलावा 22 नवंबर 2016 यानी पिछले साल की ही तो घटना है, जो माछिल सेक्टर में शहीद प्रभु सिंह के साथ बर्बरता की गई थी। 28 अक्टूबर 2016 यानी पिछले ही साल शहीद मनदीप सिंह के साथ बर्बरता की गई थी और तब खून खौला था हिंदुस्तान का एक बार फिर, क्योंकि उससे पहले ही 2013 में 8 जनवरी को शहीद हेमराज सिंह के शव के साथ भी बर्बरता की गई थी, उनका सर काट के ले जाया गया था। 30 जुलाई 2011 उससे पहले शहीद जयपाल सिंह और देवेंद्र सिंह के साथ बर्बरता हुई थी। यानी कमोबेश हर साल पाकिस्तान इस तरह की एक उकसावे की हरकत, एक कायराना हरकत जरूर करता है और इस साल 2017 में ये हरकत हुई है। लेकिन इसके अलावा कई मोर्चों पर पाकिस्तान ये कायराना हरकतें कर रहा है, घुसपैठ की कार्रवाइयां लगातार कर रहा है, सीज फायर वायोलेशन करता है जिसकी आड़ में आतंकी घुसपैठ करते हैं। और ये वीडियो आतंक का है, किस तरह से घाटी में आतंक पैर फैलाने की कोशिश कर रहा है उसका ये वीडियो है। ये 4 वीडियो के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरह की खबरें आई थी जैश लश्कर और हिजबुल ने हाथ मिलाया था।